हे गाइस व्हाट्स अप, मैं हूं आईबी और आप देख रहे हैं इंडियन बुक्स यूट्यूब चैनल। इन टुडेस वीडियो इज ऑल अबाउट एक्सपोजर ऑफ कार 98। ये जो कार 98 है ना, ये सिर्फ गन नहीं, जान है पबजी का। बच्चों से लेके बूढ़ों तक, जिस जिस को भी स्नाइपिंग वगैरह पसंद है या फिर आता है या फिर करना ही है, एक स्नाइपर चाहिए मैच में, एक स्नाइपर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए ये कार 98 जन्नत है। हाँ, M24 मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन वो जो M24 क्यों लेते हैं बंदे लोग, क्योंकि उसका डैमेज ज़्यादा है, रेंज भी थोड़ा बहुत कंपनी से रिजनेबल है, ठीक है। तो अगर M24 रेयर भी है, कार 98 अवेलेबल है, लेकिन M24 रेयर है, और AWM की बात तो छोड़ी दो। और अगर किसी को लगता है कि वो मिनी 14, SKS, MK14 ये सब अगर उनको स्नाइपर लगता है तो ये गलत बात है, क्योंकि वो सब है ऑटो स्नाइपर राइफल, उसको DMR भी बोलते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि ये जो कार 98 का सुरीली आवाज़ है ना, ये एक अलग इमोशन, अलग दुनिया का आवाज है ये। इसमें जो सेटिस्फेक्शन है कार 98 और AWM का हेडशॉट पे, जो सेटिस्फेक्शन है ना, किसी गन के हेडशॉट में इतना सेटिस्फेक्शन नहीं आता किसी को। सो लेट्स स्टार्ट द पार्टी। Let's start with the bullet loop that reduces the reloading time. Using the bullet loop provides us 25 times faster reloading in Kar98. I'm checking the 4 bullet reloading speed with and without bullet loop. So I hope you guys can see the utilization of using the bullet loop in Kar98. So let's jump to the next, the cheek pad. Now check the stability with using cheek pad. Remember one thing, you should press shift for holding the breath. And here you guys can see the difference between using cheek pad or non-using cheek pad. Okay. Now it's time for using the compensator and check the recoil of Kar98. This is not that much effective, so you can use a compensator or not, that doesn't matter. Now talk about using the suppressor. A Kar98 sound travel can 1 kilometer, 1000 meter without a suppressor and 500 meter with the suppressor. Now we come to the last attachment, that the flash hider. यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि फ्लैश हाइडर, वो जो फ्लैश रेट है उसको लो करता है, कंपेंसेटर जो नहीं करता, और सप्रेसर बिल्कुल भी नहीं करता है। तो यही है वो फर्क फ्लैश हाइडर, कंपेंसेटर और सप्रेसर के बीच में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।